हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका जार स्टडी सेंटर में। मैं ऋषभ राज आप लोगों के लिए आज फिर से नया वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जीडीपी क्या होता है और इस क्लास में हम जानेंगे जीएनपी क्या होता है। जीडीपी और जीएनपी के बीच का जो डिफरेंस होता है आज हम वो जानने वाले हैं। ओके, हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जीएनपी और जीडीपी में क्या क्या अंतर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। प्लीज़ जो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप में शेयर करोगे तो इसी तरीके से अच्छी वीडियो हम आपके पास ज़रूर लेकर के आएंगे। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीएनपी होता क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इससे आप क्या समझते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है आखिर? तो दोस्तों, जीएनपी कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। जीएनपी सिंपल से वर्ड में मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो चीज़ें होती है। सबसे पहला पॉइंट कि जीएनपी जो होता है, अगर हम जैसे कि जीडीपी में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक काउंट होता है तो वो उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का जो काउंटिंग होता है, इट मीन्स आप अपने कंट्री में जो यूजेस करते हो, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हम एक टाइम पीरियड में एक ईयर में ईयरली बेस्ड पे उसको काउंट करते हैं, उसका प्रोडक्शन को, तो उसे जीडीपी कहते हैं। अब आते हैं जीएनपी पे। उसी तरीके से जीएनपी का भी एक टाइम पीरियड होता है। हर एवरी ईयर हम क्या करते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो एवरी ईयर एक काउंटिंग करती है, जैसे कि मार्च क्लोजिंग आप लोगों को पता है। ओके, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है उसको। तो उस टाइम पे क्या होता है, जीएनपी जो होता है वो काउंट होता है जो प्रोडक्शन हम करते हैं, और वो आउट ऑफ कंट्री भी जाता है और जो इनकम आता है हम उसे भी जीएनपी में काउंट करते हैं। दूसरी बात कि जैसे कोई व्यक्ति अपने ही कंट्री का हो, ओके, कोई व्यक्ति अपने ही कंट्री का हो और वो बाहर जाकर के काम करता है, और किसी बाहर कंट्री का व्यक्ति अब हमारे कंट्री में आके काम करता है, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? अभी इसमें क्या होता है, अगर हमारी कंट्री का व्यक्ति किसी अदर कंट्री में जा कर के काम करता है तो उसका जो प्रॉफिट होगा, उसकी जो इनकम होगी वो हमारी कंट्री काउंट करेगी, ना कि उसकी कंट्री, क्योंकि वो हमारी कंट्री का रेसिडेंस है। ओके, ना कि उसकी कंट्री में काउंट होता है। और अगर किसी भी कंट्री का इंसान हमारे कंट्री में आकर के काम करता है तो उसका जो इनकम होगा वो हमारी कंट्री में काउंट नहीं होगा। तो यही होता है जीडीपी और जीएनपी। तो इसी के साथ हम अभी चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जिनको भी डेफिनेशन लिखना है व्हाट इज़ जीएनपी, आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा डेफिनेशन निकाला है आप लोगों के लिए जिस जीएनपी का। और अभी क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फॉर अब्रॉड, जो मैंने बताया इसका मतलब वही होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो। ओके, नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने, आप जो देख पा रहे हो, ये डिफरेंशिएट करता है कि जीडीपी और जीएनपी क्या है। ओके, सो जीडीपी का फुल तो मतलब आप जानते ही हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच मेजर द मार्केट, ओके, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced by factors of production such as labor and capital located within a country economy during a given period of time, generally a year or a quarter. इसका मतलब होता है कि जो लोकली प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था आपको जीडीपी के मतलब बारे में, कि आप अपनी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन करते हो उसका जो एक काउंटिंग होता है इन अ ईयर, या तो वो ईयरली होगा या तो वो क्वार्टरली होगा, तो जो काउंटिंग्स होता है उसे कहते हैं जीडीपी। बट इसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हाउएवर इट मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर लेस ऑफ एंड वेदर दिस सिमिलर प्रोडक्शन टेक प्लेस इंस्टेंटली विद इन द within the provisions or outside of the country. Now, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि citizenship, जो भी citizens होते हैं हमारे इंडिया के हो या किसी भी कंट्री को, अगर वो बाहर जाते हैं और काम करते हैं तो हमारे जो citizens कहीं अदर कंट्री में काम करेंगे तो वो अगर उनका फाइनेंशियल या का इकोनॉमिक काउंट होता है तो उस टाइम पे हमारे सिटीजन्स काउंट नहीं होंगे उनके जीडीपी में। वो काउंट कहाँ होगा? वो जीएनपी में होगा काउंट, वो भी हमारे ही कंट्री में। आई होप यू ऑल गेट इट। ओके, तो जीडीपी और जीएनपी में यही डिफरेंस होता है। एंड देखिए दोस्तों, मैं स्लाइड्स बनाने में एंड इन सब में बहुत मेहनत लगता है यार, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है वीडियो पे, प्लीज़ लाइक करके जाए। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे मुझे, एंड यू गाइस आर रियली गुड। ओके, तो जीडीपी और जीएनपी का एक और स्लाइड है मेरे पास में, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो मेजर था जीएनपी और जीडीपी का वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। फिर भी जिनको प्रॉब्लम है आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में जा कर के मेरे से पूछ सकते हो। मैं इसके लिए नहीं होगा तो मैं फिर से डाउट क्लास बताऊँगा, डाउट क्लास दूँगा इसके लिए। किसी भी मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, आपको अगर लगता है तो प्लीज़ जाए और मेरे कमेंट में जा कर के आप रिप्लाई कर सकते हैं। आप ये सब स्लाइड्स देखें, आप लोगों को एक्चुअली ये स्लाइड्स मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ने की आदत होती है तो ज़्यादा पढ़ के समझते हैं, और जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ करके बोलने से ही समझ में आ जाता है। ओके, तो इसी के साथ हम आते हैं अगले स्लाइड पे। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको पता है हम स्टार्टिंग से बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने माइक्रो एंड मैक्रो का पहले तो वो हमने पढ़ा, दूसरा मिक्स इकोनॉमिक पढ़ा, हम क्या होता है इकोनॉमिक कितने टाइप से होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा जीडीपी पढ़ा, जीएनपी पढ़ा। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले ही बताई थी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, प्राइस डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें अब हम आगे पढ़ेंगे। डिमांड एनालिसिस क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ओके, और आप लोगों को पता चलेगा कॉस्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो हमारा पहला चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप
आप लोगों को ये डाउट जितने भी है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हम आपको का जो डाउट है वो कैसे क्लियर कर पाएंगे। सो प्लीज़ अपने डाउट्स के साथ आए और कमेंट करके बताएं या पूछें हमसे, हम ज़रूर आपके लिए पॉसिबल होगा तो अलग से डाउट क्लास भी अरेंज करवाएंगे। ओके सो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को एंड लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें अपना, और हम फिर नया वीडियो लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के पास आएंगे। ओके okay?